Bollywood actor Adhyan Suman, who is gearing up for the much-awaited third season of Ashram, shared that, although he's an industry insider, things have not worked for him as one would have thought, given the debate surrounding nepotism. He maintained that the ultimate power lies with the audience and no amount of money spent on publicity or campaigns can really shape the career of an actor or an actress if the audience is not willing to see them and their work. Speaking at a media event for Ashram 3, the actor shared, Adhyan ji, जिस तरह आप स्टार्टिंग में आपने बोला कि मैंने प्रकाश जी के साथ जाके बात की और मैंने रोल के बारे में कहा जी, डू यू थिंक द वर्ड नेपोटिज्म ऑलवेज वर्क्स फॉर मेनी वन बट इट हैज नॉट वर्क इन योर फेवर? थैंक यू फॉर सेइंग दैट. इट्स बीन 10 इयर्स, इट्स नॉट वर्क्ड फॉर मी. तो नहीं यार, आई थिंक अगर आज आप देखें तो आलिया भट्ट जब करती है गंगूबाई तो उसको उतना ही प्यार मिलता है जितना कार्तिक आर्यन को मिलता है भूल भुलैया के लिए. तो आई थिंक ये बहुत ही एक फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन था जब नेपोटिज्म के बारे में बातें करना लोगों ने शुरू की थी. एंड आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या एक्स फैक्टर है जो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है एक एक्टर के बारे में. और ऑडियंस एक्सेप्टेंस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, चाहे कितना भी पैसा लगा लें, कितने भी पोस्टर खरीद लें, फ्रंट पेजेस खरीद लें, उससे कुछ नहीं होता. इवेंचुअली इट्स द ऑडियंस. और ये नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता यार. मतलब मैं कितनी भी फिल्में बना लूँ लाइफ में, अगर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है तो ऑडियंस मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो जब मैं आश्रम में आया हूँ, 10 साल की मेरी भी एक मेहनत रही है लाइफ में, स्ट्रगल रही है लाइफ में, जो शायद अभी बात नहीं करूँगा मैं इसके बारे में. बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काम किया और एकदम जिस चीज़ से मैंने, बिकॉज मैं इतना हार चुका था लाइफ में, मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था. और जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ा और जब आश्रम आई तो अगले दिन से क्या हुआ इंडस्ट्री में और क्या हुआ आई कांट टेल यू ऑनेस्टली. इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल. सो ये नेपोटिज्म से बॉस कुछ नहीं होता. Adhyan, who is playing a pivotal role of Finka Singh in the web series, when asked, did he turn up to any Baba or Pandit when he was not getting any work in the industry? On this, he said, आप किसी भी फील्ड से हो, I think human beings in itself are very insecure. और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आज मैं कोई रिंग्स भी पहन रहा हूँ तो I eventually realized it in the power of energies and nothing else. And of course, मैं इनसिक्योर था और मैं भी पंडित जी और बाबा जी और मेरी कुंडली देख लीजिए मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा. बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता. आपकी मेहनत ही सब कुछ है जो मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया. सो ये सेट कि ठीक है ये सारी चीज़ें यू आप जाते हैं कंसल्ट करते हैं एक दो बार, बट इवेंचुअली इट्स समथिंग दैट यू जस्ट नेवर गिव अप. और मेरे साथ भी आई थिंक यही हुआ कि जब भी मैं बाबाओं के पास गया और मैंने पूछा, सब कहते थे अरे इस डेट पे ये होने वाला होता, कुछ नहीं था लाइफ में. तो जब मैंने पूछना छोड़ दिया लाइफ में और ज्यादा मेहनत करनी शुरू की, उसके बाद चीजें बदलने शुरू हुई. मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम हुआ भी. स्पीकिंग ऑफ आश्रम, द क्राइम ड्रामा सीरीज डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्रकाश शाह सेंटर्स ऑन द नेक्सस ऑफ ब्लाइंड फेथ एंड पॉलिटिक्स. इट स्टार्स बॉबी देओल इन द लीड रोल अलोंग विद अदिति पोहंकर, दर्शन कुमार, चंदन रॉय सान्याल, तुषार पांडे, अनुप्रिया गोयंका, अध्ययन सुमन, विक्रम कोचर, त्रिदा चौधरी, राजीव सिद्धार्थ, सचिन श्रॉफ, परिणीता सेठ, प्रीति सूद एंड नवदीप तोमर इन की रोल्स. द थर्ड सीजन ऑफ द सीरीज इज सेट टू ड्रॉप ऑन MX Player फ्रॉम June 3. INS रिपोर्ट.